टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अबीरा और अरमान की शादी की रस्में चल रही हैं, जिसमें नए नए ड्रामे हो रहे हैं। दादी सा अबीरा को रोज नई चुनौती देती है। अबीरा दादी सा की हर परीक्षा में पास होकर दिखा रही है। बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि मनीष गोयनका बहुत ही अच्छे से अबीरा की मामा भात की रस्म करते हैं और ये सब देख कर रूही का दिल जल जाता है। रूही गुस्से में अबीरा से मिला नेक फाड़ देती है और ये मनीषा ले लेती है। मनीषा रूही को समझाती है लेकिन रूही नहीं समझती और मनीषा चाची भी उसे सुनकर चली जाती है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रूही अपने बी नानू के सामने अबीरा को खूब सुनाती है और उसके लिए अपनी नफरत दिखाती है, खुद को अनाथ बोलती है, जिससे मनीष गोयनका को बहुत दुख होता है। इसके बाद से रूही वहाँ से चली जाती है। अबीरा खुद को मनीष गोयनका से दूर रखने का फैसला लेती है लेकिन मनीष उसे शांत करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ स्वर्णा घर में मनीष गोयनका को खूब सुनाती है। वो मनीष पर आरोप लगाती है कि वो अबीरा के लिए रूही को भूल गए हैं। इसके बाद स्वर्णा मनीष के साथ एक कमरे में रहने से मना कर देती है लेकिन मनीष तब भी अबीरा को उसका हक देने की बात करते हैं। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अबीरा पोदार हाउस में दुखी खड़ी होती है, तब अरमान वहां आ जाता है और दोनों रोमांटिक डांस करते हैं। दोनों के बीच रोमांस होता है और फिर अरमान अबीरा शादी के बारे में बात करते हैं। अबीरा मानती है कि उन दोनों की शादी से घर के कई लोग नाराज हैं, जिससे दादी सा रूही और फूफा सा। अबीरा दादी सा को खुश रखने की बात करती है और फैसला करती है कि दादी सा संगीत की रस्म में डांस करेंगी। ये सब कुछ दादी सा सुन लेती है। अगले दिन संगीत का वेन्यू दूर हो जाता है और बारिश में सब लोग रास्ते में ही फंस जाते हैं। अरमान की कार बंद हो जाती है और अबीरा कर देखने के चक्कर में भीग जाता है।